हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हार्ट जो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है उसमें कौन कौन से इवोल्यूशनरी चेंजेस दिखाई देते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इतना आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। इफ यू डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवे, तो सबसे पहले तो हमको इसको डिस्कस करने के पहले सर्कुलेटरी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि सर्कुलेटरी पैटर्न क्या होता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी पैटर्न। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी पैटर्न, यदि हम सर्कुलेटरी पैटर्न को लेके बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हमें दो तरह का सर्कुलेटरी पैटर्न देखने को मिलता है। द टू टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी पैटर्न ऑब्जर्व इन एनिमल किंगडम। तो कौन कौन से दो सर्कुलेटरी पैटर्न्स हैं? तो वो है हमारे, एक तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तो है कौन सा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हैं, पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखिए हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता यह है कि जैसे ये मान लीजिए हार्ट, हार्ट से जो है अब वो होता क्या है कि लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। अब देखिए, अब इसके बाद बॉडी के अंदर आते बराबर क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के चैम्बर्स में जाकर ओपन हो जाते हैं। बॉडी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, कैविटी होती हैं, उनके अंदर आकर ये ओपन हो गए। तो ब्लड वेसल्स कहां ओपन हो गए, तो ब्लड वेसल्स बॉडी में जो छोटे छोटे साइनसेस हैं उसमें जाके ओपन हो गए। अब यहां पर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सभी ऑर्गन्स ब्लड के थ्रू बात करेंगे, ब्लड के अंदर डूबे हुए रहेंगे। अब उसके बाद यहां से फिर वापस जो है ब्लड हमारा कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो यदि इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। या हार्ट से ब्लड लार्ज वेसल्स के थ्रू बॉडी के कैविटीज में जा रहा है, बॉडीज की कैविटी को हमने क्या बोला, साइनेसिस, उसमें पहुंचा, उसमें पहुंचने के बाद यहां से वापस ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचा दिया, मतलब ब्लड कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला हमने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक तो फाइलम अर्थोपोडा के अंदर और दूसरा फाइलम मोलस्का के अंदर, ठीक है। तो अर्थोपोडा और मोलस्का इनमें आपको इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल हैं फाइलम अर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का। तो फाइलम अर्थोपोडा और फाइलम मोलस्का में आपको इस तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, हमने इसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दूसरा कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, यहां पर ब्लड कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। कैसे फ्लो होगा जरा देखिए, यहां पर ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, यहां से ब्लड ट्रांसफर किया गया बॉडी के अंदर लार्ज वेसल्स के थ्रू, और ब्लड कंटिन्यूअस वेसल्स में ही फ्लो होता है, बाद में ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या हुआ, अब जरा इसको देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड लार्ज वेसल्स में गया, उससे ब्लड स्मॉल वेसल्स में जाएगा, स्मॉल वेसल्स से ब्लड वापस फिर छोटी छोटी कैपिलरीज में जाएगा, वहां से वापस इसे कलेक्ट करके हार्ट तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब एंटायर सर्कुलेशन में ब्लड नॉट कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड ऑलवेज फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, वो कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। तो इस तरह का ये जो सर्कुलेशन है, इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नॉट कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अब इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिलता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिलता है? तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम एनिलिडा। ये दो फाइलम ऐसे हैं जिसमें कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कौन कौन से दो फाइलम? एक तो एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, एक तो फाइलम एनिलिडा और दूसरा कॉर्डेटा। तो इसमें आपको इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी चेंज इन हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में ग्रेजुअली नीचे से ऊपर जाने पर हार्ट में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार इसे और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
यूलिशन चेंज इन, हाँ तो यूलिशन चेंज इन हार्ट ऑफ वर्टिपेट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस में। तो इनमें किस तरह का हार्ट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में कौन आता है, साइक्लोस्टोमेटा में आता है पेट्रोमाइजोन और मैक्सिन, ये साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। और पाइसिस में जितनी भी फिश है, जितनी भी ट्रू फिश है, वो पाइसिस में आते हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो पढ़ा है, हमने अचानक उसमें देखा है कि पाइसिस में जो है बेसिकली दो क्लासेस होते हैं, पाइसिस सुपर क्लास है। कौन कौन से दो क्लास होते हैं, एक होता है कोंडिकथीस और दूसरा कौन सा होता है ऑस्टिकथीस, ठीक है। तो पाइसिस में किस तरह का चेंजेस दिख रहा है और साइक्लोस्टोमेटा में किस तरह का चेंज दिख रहा है हार्ट में, वो देखते हैं। यहां पर देखिए किस तरह का हार्ट, यहां पर क्या है देखिए, ये हो गया मान लीजिए हार्ट, ठीक। अब ये हमारा हार्ट है, फिश पाइसिस का हार्ट है। अब क्या होता है कि जैसे पाइसिस की जो बॉडी है, तो बॉडी से जो ब्लड होगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा हार्ट, हार्ट से ब्लड जाएगा गिल्स में, यहां से ब्लड कहा जाएगा गिल्स में, और गिल्स से जो ब्लड है वो कहा जाएगा बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, यहां पर हार्ट जो है, देखिए हार्ट को मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, तो आप देखिए ये हार्ट है, ये पाइसिस का हार्ट। यहां पर क्या है, बॉडी से ब्लड कहां पहुंचा, हार्ट में। हार्ट में कितने चेंबर है, टू चेंबर है, ठीक है। हार्ट में टू चेंबर है, वन आर्टरियम है और वन क्या है यहां पर वेंट्रिकल्स है। अब टू चेंबर हार्ट है, उसके बाद हार्ट से ब्लड कहां गया, गिल्स में गया, और गिल से ब्लड कहां गया, बॉडी में गया, बॉडी से वापस ब्लड कहां पहुंचा, हार्ट में पहुंचा। तो इस तरह के सर्कुलेशन में आपको क्या दिखा है, तो आपको इस तरह का जो सर्कुलेशन है जो साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिल रहा है और आपको पाइसिस में देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं आप, सिंगल सर्कुलेशन दिख रहा है। यहां कौन सा सर्कुलेशन प्रेजेंट है, सिंगल सर्कुलेशन, बिकॉज कंप्लीट सर्कुलेशन में बॉडी से ब्लड चला तो केवल एक बार हार्ट में से पास आउट हुआ फिर वापस बॉडी में पहुंच गया, तो ये कौन सा हो गया, मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन में केवल एक बार हार्ट में से ब्लड पास आउट हो रहा है, तो ब्लड पास आउट ओनली वन टाइम इन अ हार्ट इन अ वन सिंगल सर्कुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन डिफाइन किया था अच्छी तरह से, तो एक सर्कुलेशन में ब्लड एक बार हार्ट में से पास आउट हुआ, तो ये कौन सा हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। पहली बात तो ये सर्कुलेशन कौन सा है, सिंगल सर्कुलेशन। तो पाइसिस में सिंगल सर्कुलेशन है,
कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट में से केवल एक बार ब्लड पास आउट होता है, ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा, यहां पर हार्ट कैसा है, हार्ट यहां पर टू चेम्बर्ड हार्ट है, वन आर्ट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल, मैं ऐसे लिख देता हूं, वन आर्ट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल, तो इस तरह का हार्ट है यहां पर। उसके बाद यहां पर वीनस हार्ट प्रेजेंट, हार्ट ऑलवेज रिसीव द इम्प्योर ब्लड। जरा इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन में देखिए, हार्ट हमेशा इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है, हार्ट को बेचारे को कभी भी प्योर ब्लड नसीब नहीं होता, उसे कौन सा ब्लड मिलता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड मिलता है। तो इस तरह के मतलब हार्ट को केवल वेन से मिलने वाला ब्लड मिल रहा है ना, तो इसलिए इस तरह के हार्ट को क्या बोलेंगे, वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो हार्ट प्रेजेंट है वो कौन सा है, वेनस हार्ट प्रेजेंट है, टू चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है यहां पर, सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है और वेनस हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो हम बात करें किसमें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल को छोड़कर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल को छोड़ दीजिए, ग्रेविरस को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि इनका जो हार्ट है वो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का हार्ट, ठीक है, ये बॉडी, बॉडी से लटका गया है राइट आर्ट्रियम में, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल। अब उसके बाद ब्लड जाएगा कहां पर, रेस्पिरेटरी सरफेस, वहां से ब्लड वापस आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, बॉडी में। तो देखो इस तरह का सर्कुलेशन, ठीक है। यहां पर मान लीजिए बॉडी से ब्लड चला, तो एक बार हार्ट में पहुंचा, फिर रेस्पिरेटरी सर्फेस पे गया, और रेस्पिरेटरी सर्फेस यहां पे कुछ भी हो सकता है, गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सरफेस में भी गिल्स, ये लंग्स भी हो सकते हैं, और ये स्किन भी हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस में भी गिल्स, में भी लंग्स और में भी स्किन। तो अब देखो, हार्ट बॉडी से पहुंचा हार्ट में ब्लड, हार्ट से ब्लड पहुंचा रेस्पिरेटरी सरफेस पर, रेस्पिरेटरी सरफेस से वापस हार्ट में, और हार्ट से फिर वापस बॉडी में। तो ब्लड जहां से चला था वहां तक वापस पहुंचने में दो बार उसे हार्ट में से पास आउट होना पड़ता है ना,
तो ये ब्लड सर्कुलेशन कौन सा है? डबल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। तो यहां पे कौन सा सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है? यहां पर डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। इनमें कौन सा सर्कुलेशन प्रेजेंट है? तो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो यहां पे एक तो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। अच्छा, यहां पर एक प्रॉब्लम वेंट्रिकल में है। वेंट्रिकल में क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में मिल रहे हैं। बॉडी से आया हुआ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेस्पिरेटरी सरफेस से आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों का मिक्सिंग कहां हो रहा है? वेंट्रिकल में ना। तो इसको हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो ये कौन सा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। ये कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है यहां पर। दूसरा, यहां पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट। कौन सा हार्ट प्रेजेंट होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। उसमें दो, उसमें क्या होगा? टू आर्ट्रियम होंगे और वन वेंट्रिकल होगा। तो थ्री चैम्बर्ड यहां पर हार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है? इट बिकम क्लियर क्रोकोडाइल को छोड़कर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्स में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और मैमल्स में। अब हम बात करते हैं मैमल्स के रिगार्डिंग। तो एप्स और मेमल्स को लेके बात करें। तो यहां पर जो एक्स, यहां पर जो डीमेरिट था थ्री चैम्बर्ड हार्ट का, वो यहां पर खत्म कर दिया गया। क्या डीमेरिट था वहां पर? वहां डीमेरिट ये था कि वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का मिक्सिंग हो रहा था। वो मिक्सिंग यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। इट बिकम क्लियर, ठीक है। दूसरा ये कि यहां पर अब आपको हार्ट कितने चैम्बर वाला दिख रहा है? तो यहां पे हार्ट हमको दिख रहा है फोर चैम्बर, ठीक है। उसके बाद यहां पर सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है? यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। यहां पर देखिए, जहां से ब्लड चला बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड यदि चलना चालू होता है, उसे वापस बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचने में दो बार हार्ट में से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा? डबल कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। हम ऐसा बोलेंगे यहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। यहां पर हार्ट के कितने चैम्बर होगा? फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट। यहां पर कितने चैम्बर वाला हार्ट प्रेजेंट होगा? फोर चैम्बर वाला हार्ट प्रेजेंट होगा यहां पर, ठीक है। क्या क्या होंगे फोर चैम्बर में? फोर चैम्बर में होंगे टू आर्ट्रियम और टू वेंट्रिकल, ये आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो इट बिकम क्लियर। ठीक है, वर्थी वेट में हार्ट के इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए वो समझ में आया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इट बिकम क्लियर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अच्छी तरह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इट बिकम क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट, अब इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में।